मॉर्निंग फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आप अपना वर्क नोटबुक पे अच्छी तरह से कर रहे होंगे, नीट एंड क्लीन। और आप मुझे अपना वर्क भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ताकि मैं उसे चेक कर सकूँ, नहीं तो बहुत सारा वर्क इकट्ठा हो जाएगा और आपका साथ के साथ आपको मिस्टेक्स आपकी पता नहीं लगेंगी। अगर आप थोड़ी बहुत ही हो रही हैं तो मैं आपको बता दूँगी आपको किस वे से लिखना है। तो आज हम करेंगे राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। टू डेज़ बिफोर मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर करवाया था। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जब हम स्मॉल से बिग की तरफ जाते हैं। इसका मैंने एग्जांपल आपको स्टेयर्स दे के भी करवाया था। जब आप फर्स्ट स्टेयर से सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप करके जब आप टॉप स्टेयर पे पहुंच जाते हैं तो इस ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं नीचे से ऊपर तक अपने फ्लोर तक, तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और इसका अपोजिट बिल्कुल, आप ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं, मान लो आप ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो अब ऊपर से बिग से स्मॉल की तरफ जाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये नंबर्स लिखे हैं मैंने। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स इन सब में से जो बिग नंबर है वो आपको पहले लिखना है, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल और लास्ट में सबसे स्मॉल। ये ऐसे मैंने आपको बी और सी पार्ट तक सॉल्व करके दिए, लेकिन डी और ई पार्ट आपको खुद सेम इसी तरह से करना है प्रैक्टिस के लिए। और आपको मैथ्स की बुक में ये एक्सरसाइज 2.6 करनी है, इनको आपको रीड करना है। मैथ्स की बुक भी हमें साथ के साथ कंप्लीट करनी है, नहीं तो हमारी ये बुक पेंडिंग रह जाएगी और वर्क हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसे भी आप साथ के साथ कीजिए अपनी बुक में। आप देखिए जितने भी ये यहाँ पे ये बनी हुई है, ये इसके ऊपर बॉक्स बने हुए हैं, हर एक लाइन में 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये टेंस वाली लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 टेंस हो गए। और वंस में कितने हैं, 1, तो क्या नंबर बन गया, 51। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हैं, ठीक है। तो ये बन गया 6 टेंस और 8 वंस। यहाँ पे फिर काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टेंस और 7 वंस। ये ऐसे करके आपको कैलकुलेट करके ऊपर बॉक्स में लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन में टिक द करेक्ट नंबर, द फर्स्ट फॉर यू, ये आपको 5 टेंस एंड 3 वंस, ये तीन ऑप्शन दिए, उनमें से जो राइट है उस पर टिक करना है। तो ये साथ के साथ बुक में एक्सरसाइज करनी है और ये वाले 2 पेजेस भी करने हैं आपको, पेज नंबर 30, 31 एंड 32, ये पेजेस भी आपको बुक में फिल करने हैं। बुक अपने साथ के साथ फिल कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारा वर्क पेंडिंग हो जाएगा और वो एक साथ नहीं होगा, इसलिए बुक का वर्क अपने साथ साथ कर लीजिए। और ये नोटबुक में काम करना है और दोनों वर्क आपको नीट एंड क्लीन करने हैं।